संख्या बल के आधार पर अब केंद्र सरकार जाति गणना कराए, राज्य के अंदर तो यह हो गया, और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बिहार मॉडल है, इसको अपना करके देश के अंदर प्रभावी करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था जब नीतीश सरकार ने विधानसभा में बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे एक मीटिंग के बाद नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी, उस पर अपनी मोहर भी लगा दी। इसको लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया है और नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि नीतीश सरकार बिहार में विकास के लिए काम कर रही है, इससे बिहार के लोगों के लिए जन कल्याण योजनाएं बनाई जाएंगी। नीतीश कुमार ने ऐसा करके एक नजीर पेश की है, क्या कुछ कहते हुए नजर आए नीरज कुमार, हम आपको पहले सुनाते हैं। आजादी के बाद बिहार ने मिसाल पेश किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद आरक्षण का दायरा 75% तय किया, साथ ही साथ यह भी तय किया कि जो समाज के तमाम तबके के लोग जो मुफलिसी गरीबी की जिंदगी जीते हैं, उनके आवासन के लिए, उनको आर्थिक सहयोग के लिए 5 वर्ष के कालखंड की कार्य योजना बनाई है। अब केंद्र के पाले में यह मामला है कि बिहार ने जो नजीर पेश किया, संख्या बल के आधार पर अब केंद्र सरकार जाति गणना कराए, राज्य के अंदर तो यह हो गया, और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बिहार मॉडल है, इसको अपना करके देश के अंदर प्रभावी करे। अब केंद्र सरकार इस दायित्व का निर्वहन करती है या नहीं, या 5 वर्ष का जो कालखंड है, अगर इसमें केंद्र सरकार सहयोग करे तो निश्चित रूप से हम कम समय सीमा के तहत लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में प्रभावी होंगे। आपने सुना जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए थे। उन्होंने नीतीश कुमार के बिहार में आरक्षण को 75% तक बढ़ाने के बात को लेकर उनका समर्थन किया, साथ ही भाजपा पर आक्रामक होते दिखे और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं के लिए काम करने की मंशा ही नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि केंद्र सरकार को भी नीतीश कुमार की तरह ही जन कल्याण योजनाओं के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा ही नहीं है। क्या कुछ कहते नजर आए नीरज कुमार, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।